बेटा, मैंने सुना है कि तेरे ससुर तेरे जेठ को पूरी दुकान दे रहे हैं। हाँ, वही सारा दुकान संभालते ना, इसलिए। लेकिन तुझे भी तो उसमें अपना हिस्सा मांगना चाहिए। माँ, जब उस बिजनेस में हम कुछ करते ही नहीं तो किस बात का हिस्सा। और वैसे भी हमें हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी मिल रही है, काफी है। बेटा, तू समझ नहीं रही है, प्रॉपर्टी दुकान से सस्ती होती है। दुकान से घर तो बन जाता है, लेकिन घर से दुकान नहीं बन सकती। पर माँ, उस बिजनेस में तो हम कुछ करते ही नहीं तो हम उसमें हिस्सा कैसे मांगेंगे। बेटा, इतना सीधा बनने की भी जरूरत नहीं है। दामाद जी तो बहुत भोले हैं, तू जा करके उनको समझा कि ये घाटे का सौदा तुझे मंजूर नहीं है। पर माँ, ऐसा करना ठीक होगा? क्यों ठीक नहीं होगा? देख, मैंने तो तुझे समझा दिया, अब मानना नहीं मानना तेरी मर्जी है। आकाश, तुम पापा जी से बात करो ना, उनको बोलो ना कि हमें दुकान में भी अपना हिस्सा चाहिए। हमें सिर्फ प्रॉपर्टी मिल रही है और ये नाइंसाफी है हमारे साथ। तुम्हें पता है ना कि दुकान पे हमारा कोई हक नहीं है, तुम जानती हो ना पहले से। तुम समझ नहीं रहे हो, देखो दुकान, बिजनेस, ये सब चीजें महंगी होती हैं और प्रॉपर्टी बहुत सस्ती होती है। तुम जानते हो, एक दुकान से ना कई घर बनाए जा सकते हैं, लेकिन घर से एक दुकान भी नहीं बनती है। तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो? मैं हमारे भले के लिए सोच रही हूँ, जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आकाश, तुम पापा से बात करोगे? तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। सुनो, तुमने पापा को क्या बोला? वो इतने परेशान है। मैंने वही बोला जो सही है। यार, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है, जो तुम कर रही हो ना उससे कुछ नहीं होगा। बेटा, रो क्यों रही है? माँ, मेरी और आकाश की बहुत लड़ाई हुई है, अब मुझे नहीं रहना इसके साथ। मैं आपके पास घर आ रही हूँ। बेटा, तुझे तो इस घर के हालात पता ही हैं, और अब वही तेरा घर है ये नहीं। और अगर तू यहाँ आ जाएगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? देख, पति पत्नी में तो झगड़े होते ही रहते हैं, आपस में ही सुलझा ले और वहीं पे रहे। पर माँ, ये सब ना आपकी सलाह मानने का नतीजा है। नहीं माननी चाहिए थी मुझे आपकी बात। अरे बेटा, मैंने समझाने के लिए कहा था, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं कहा था। यहाँ घर पर आकर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे पापा अलग से परेशान हो जाएंगे। देख, आपस में ही लड़ाई सुलझा ले और वहीं पे रहे। हाँ माँ, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। मेरी गलती है कि मैंने आपकी बात मान ली, और अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या हुआ, घर नहीं गई? क्या है, क्यों आए हो? अच्छा ठीक है, सुनो, हम ना हस्बैंड वाइफ हैं और हम एक टीम है, और अगर हम किसी तीसरे को अपने बीच में लेकर आएंगे ना तो हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। देखो, हम एक दूसरे के पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उनकी हर बात माने। I'm really sorry. मुझे मम्मा की बात नहीं माननी चाहिए थी। It's okay. अब घर चलें। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.